नमस्ते प्रिय आई ग्रास्पर्स, जब कोई देख ना रहा हो तब भी सही काम करें, असल में वही हिम्मत है। तो यदि आप किसी को कोई गलत काम करते हुए देखते हैं तो उसके विरोध में उठकर खड़े होएं और उसके लिए कुछ करें, चाहे इस काम के लिए आप अकेले ही क्यों ना हों। चलिए शुरुआत करते हैं आज के कैप्सूल की। पिछले सप्ताह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुछ बेहतरीन इंडियन एथलीट्स को सम्मानित किया। लगभग 25 एथलीट्स को अर्जुन अवार्ड दिए गए, जबकि वेटरन टेबल टेनिस प्लेयर अर्जुन शरद कमल को इंडिया में खिलाड़ियों के सर्वोच्च सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन अर्जुन अवार्ड विनर्स में शटलर्स लक्ष्य सेन, HS प्रणॉय, विमेन बॉक्सर निखत जरीन और ट्रैक एंड फील्ड एथलीट अविनाश साबले शामिल हैं। अपने अपने फील्ड्स में देश को गौरव दिलाने वाले इन सभी विनर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। 1972 में जब सिंगापुर एयरलाइंस ने अपने ऑपरेशंस शुरू किए थे, तब एयर इंडिया, जिसे महाराजा के नाम से भी जाना जाता था, इसका रोल मॉडल था। रिपोर्टों के मुताबिक इंटरनेशनल एयरलाइन को लॉन्च करने में मदद करने के लिए उनके अनुरोध पर एयर इंडिया ने एक डेलीगेशन को भी सिंगापुर भेजा था। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि 1940 के दशक में एयर इंडिया वह पहली इंडियन ग्लोबल एंटिटी थी जिसने इंटरनेशनल आसमान में गर्व से अपना झंडा लहराया था। अब लगभग 5 दशक के बाद सिंगापुर एयरलाइंस सफलतम ऑपरेशंस में से एक है और अब एयर इंडिया का 25.1% स्टेक होल्डर और आंशिक मालिक बनने को तैयार है। इस तरह पूरा हो रहा है कहानी का चक्र। प्रेस्टीजियस अर्थशॉट प्राइज का सेकेंड एडिशन पिछले सप्ताह आयोजित किया गया। हमारे प्लैनेट को बचाने के लिए काम करने वाले प्रोजेक्ट्स को फंड्स उपलब्ध कराने के लिए इस प्राइज की स्थापना प्रिंस विलियम ने की थी। क्या आप जानते हैं कि 1960 के दशक में मून पर इंसान भेजने के USA के एम्बिशन मून शॉट से प्रेरणा लेकर इसका नाम रखा गया है। 2030 तक एनवायरमेंटल इनोवेशन प्रोजेक्ट्स को सहायता देने के लिए 5 अर्थशॉट प्राइजेस में $1.2 मिलियन की राशि प्रदान की जाएगी। इस साल के विजेताओं में ग्रीन हाउस इन अ बॉक्स नामक इंडियन इनिशिएटिव को भी शामिल किया गया। ये छोटे किसानों को अपनी फसलों को कीड़े मकौड़ों से सुरक्षित रखने में मदद करता है। 4 अन्य विनर्स और उनके शानदार काम के बारे में पता कीजिए। क्या आप जानते हैं कि पिछले महीने 38 साल में पहली बार दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी फिर से फूटा है। मोना लोआ के फूटने के हवाई का आकाश तेल लाल रंग की रोशनी और राख से भर गया। इस शानदार नजारे को देखने के लिए लोग इकट्ठे हो गए। गवर्नमेंट का कहना है कि ज्वालामुखी फूटने के क्षेत्र से नीचे रहने वाले लोगों को अभी तो कोई खतरा नहीं है, पर लावा के फ्लो को डाइवर्ट करने की तैयारी चल रही है। क्या यह किसी मूवी के किसी सीन जैसा नहीं लग रहा? आई ग्रास्पर्स, क्या आपने वर्म होल के बारे में सुना है? यह साइंस फिक्शन का एक बहुत लोकप्रिय अवधारणा है और इसे यूनिवर्स के किन्हीं 2 दूर दराज के क्षेत्रों के बीच एक ब्रिज के रूप में माना जाता है। अभी तक वर्म होल केवल हमारी कल्पना में मौजूद था, पर अब शोधकर्ताओं के एक समूह ने दावा किया है कि उन्होंने इसका एक मिनी वर्जन तैयार किया है जिसमें वे क्वांटम कंप्यूटर में 2 छोटे ब्लैक होल्स के बीच संदेश भेजने में सक्षम हैं। हालांकि यह एक वास्तविक वर्म होल से बहुत दूर की बात है, पर फिर भी यह एक बहुत बड़ा कदम है और इससे इस माइंड बॉगलिंग अवधारणा को बेहतर ढंग से समझने की राह आसान हो जाएगी। दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरी बनाने का प्रोजेक्ट द स्क्वायर किलोमीटर आरे है और इसे 21वीं सदी के सबसे बड़े साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स में से एक माना जा रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस टेलीस्कोप के निर्माण का काम शुरू भी हो गया है। क्या आप जानते हैं कि यह टेलीस्कोप ऑस्ट्रेलिया में 1.31 लाख से अधिक एंटीनास और दक्षिण अफ्रीका में 200 डिशेस से मिलकर बना है? यह अल्ट्रा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट साइंटिस्ट को यूनिवर्स का यह राज जानने में मदद करेगा कि पहले स्टार्स और गैलेक्सीज कैसे बने थे।
अब हम यह इंतजार नहीं कर सकते कि इस खोज का परिणाम क्या रहता है। पंजाब के भटिंडा के एक किसान ने एरोप्लेन उड़ाने के बचपन के अपने जुनून को साकार करने का प्रयास करते हुए पिछले कुछ वर्ष से एरो मॉडलिंग के क्षेत्र में काफी काम किया। कई चुनौतियों का सामना करते हुए उन्होंने अपने जुनून और लगन से इसमें एक्सपर्टीज हासिल किया। उन्होंने कई एयरक्राफ्ट के थर्मोकॉल मॉडल तैयार किए और अपने गांव के खेत पर बनाए रनवे पर इन्हें उड़ाया। वे न केवल एरो मॉडलिंग पर सिलेबस तैयार कर रहे हैं पर इंडियन डिफेंस फोर्सेस के लिए प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे हैं और कई यूनिवर्सिटीज ने इन्हें सम्मानित भी किया है। आई ग्रास्पर्स, क्या ये बेहद इंस्पायरिंग कहानी नहीं है? यह सप्ताह काफी रोचक रहा है क्योंकि इसमें फीफा वर्ल्ड कप की राउंड ऑफ 16 स्टेज खत्म हो गई है और इसके क्वार्टर फाइनल्स आयोजित किए गए हैं। राउंड ऑफ 16 की सभी बाधाओं से पार पाते हुए स्पेन के खिलाफ मोरक्को विजेता बनकर उभरा एवं क्वार्टर फाइनल्स में उसकी भिड़त पोर्चुगल से होगी। नेदरलैंड्स की टीम अर्जेंटीना से भिड़ेगी जबकि क्रोएशिया का मुकाबला ब्राजील से होगा और चौथे क्वार्टर फाइनल्स में इंग्लैंड की टक्कर फ्रांस से होगी। क्या आप इस सप्ताह होने वाले सेमीफाइनल्स मुकाबलों को लेकर एक्साइटेड हैं? फाइनल मैच 18 दिसंबर को खेला जाएगा और अब हमसे इसका इंतजार नहीं होता कि आगे हमें कौन से रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे। क्या आपने सेंट एडवर्ड के ऐतिहासिक क्राउन के बारे में सुना है? यह 350 से अधिक वर्ष से इंग्लैंड के सम्राट के राज्य अभिषेक का केंद्र बिंदु रहा है और टावर ऑफ लंदन में हर साल इसे लाखों लोग देखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किंग चार्ल्स III के आगामी राज्य अभिषेक के लिए इसे मॉडिफाई करने के लिए इसे किसी अनडिस्क्लोज लोकेशन पर ले जाया गया है, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ II ने 1953 में अपने राज्य अभिषेक के समय इसे खो दिया था। न्यू सेरेमनी 6 मई 2023 को होगी। आप अगले साल के कैलेंडर में इस तारीख को नोट कर लें। वर्ल्ड कप 2022 में जापानी फैंस ने स्टेडियम को साफ करना जारी रखा। जापान ने पिछले सप्ताह वर्ल्ड कप के दौरान स्पेन के खिलाफ अपने देश की जीत का जश्न बनाने से पहले पूरी दुनिया को स्वच्छता के प्रति अपना लगाव को दिखाने के लिए साफ सफाई करना जारी रखा। जापानी टीम ने स्पेन को 2-1 से हराकर जबरदस्त उलटफेर किया और जर्मनी को नॉकआउट राउंड्स में जाने से रोक दिया। लेकिन यह केवल पहली बार नहीं हुआ है कि जापानी फैंस ने यह शानदार काम किया है। इन खेलों के शुरुआत में उन्होंने स्टेडियम साफ करने में स्टाफ की मदद की और कोस्टा रिका से अपनी हार के बाद भी सफाई की। मुझे लगता है कि सफाई का इस शानदार परंपरा से हम भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपको क्या लगता है? क्या आप जानते हैं आई ग्रास्पर्स कि द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पिछले 2 दशक से वर्ड ऑफ द ईयर की घोषणा करता आ रहा है। यह एक ऐसा शब्द है जिसमें पूरे वर्ष में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एक्सप्रेशन दिया है। जी हाँ, और मजे की बात यह है कि इस वर्ष पहली बार इसके लिए चुनाव ऑनलाइन वोटिंग द्वारा किए गए और चुना गया शब्द था गॉब्लिन मूड। ये एक स्लैंग टर्म है जो एक ऐसे सेल्फ इंडल्जेंट बिहेवियर को परिभाषित करता है जिसमें सामाजिक मानकों एवं अपेक्षाओं को खारिज कर दिया जाता है। क्या इससे पहले आपने इस टर्म का इस्तेमाल किया है? इस सप्ताह का मुहावरा है आंखें चुराना, जिसका मतलब है नजर बचाना। जब से गोपी ने मुझसे रुपए उधार लिए हैं तब से वह आंखें चुराने लगा है। बूझो तो जाने, जो करता है वायु शुद्ध, फल देकर जो पेट भरे, मानव बना है उसका दुश्मन, फिर भी वह उपकार करे। जी हाँ, वो है पेड़। पहचानो कौन? अमेरिका की इन 18वीं सदी की लेखिका ने अपने जीवन में 1800 से ज्यादा कविताएं लिखी हैं। हालांकि जीवित रहते हुए उन्होंने सिर्फ 10 ही कविताएं एक पत्रिका के साथ पब्लिश कराई। उनकी ज्यादातर कविताओं का थीम मुख्य रूप से मृत्यु और अनैतिकता होता था। वे एक सुधारवादी लेखिका थी जिन्होंने कविता के आम धारणा को चुनौती देते हुए कैपिटलाइजेशन, पंक्चुएशन, ग्रामर का प्रयोग किया था।
इन्हें पहचानना बहुत आसान नहीं है। ये है एमिली डिकिंसन। इनकी मृत्यु के पश्चात उनके फेम के कारण डिकिंसन को अमेरिका के बड़े कवियों में से एक माना जाता है। क्या आपको मालूम है कि कॉमनवेल्थ देशों में क्वीन का बैटन रिले मित्रता का एक महत्वपूर्ण चिन्ह होता है। इस बैटन का डिजाइन आयोजक देश द्वारा तैयार किया जाता है, जिसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वह देश के गौरव का प्रतिनिधित्व करता है तथा सभी को एक समान आदर देता है, चाहे वे किसी भी बैकग्राउंड से आए हों। खेलों से पहले यह बैटन और क्वीन का संदेश खेलों में भाग लेने वाले देशों के बीच भेजा जाता है, जो वापस उसी स्थान पर आ जाता है जहां से उसकी शुरुआत हुई थी। इसके बाद इस संदेश को पढ़कर कॉमनवेल्थ खेलों की ओपनिंग होती है। क्विज़ टाइम। कॉमनवेल्थ खेलों के इतिहास में किस बैटन रिले को सबसे लंबा माना जाता है? अपने उत्तर contactus@igrass.com पर अपने पूरे नाम, स्कूल के नाम और एक फोटो के साथ लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर। दो परमाणु बम हमलों से बचने के लिए सुतोमू यामागुची को जापानी सरकार द्वारा दिया गया शीर्षक नीजू हिबाकुशा था। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल आईग्रास द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर दिल्ली पब्लिक स्कूल आरकीपुरम न्यू दिल्ली की आहाना पंडित का हार्दिक अभिनंदन। इस सप्ताह का समाचार कैप्सूल देखने के लिए धन्यवाद। याद रखें कि हमेशा जोर से बोलना ही हिम्मत नहीं होती, कई बार यह दोस्ताना अंदाज में भी होती है, जब हम दूसरों को आराम से कहें कि वे अपने आप को और अपने व्यवहार को परखें। इस सप्ताह के लिए बस इतना ही। नमस्ते।